म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट के 14 अपोजिशन अरकीन सेक्टी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट को वार्ड काउंसिल का इजलास 7 अयाम के अंदर मुनक्किद करने के लिए तहरीरी रिक्वजिशन मा एजेंडा आज पेश कर दी है। अपोजिशन अरकीन की जानिब से पेश करदा एजेंडा के मुताबिक बस टर्मिनल जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इसको फौरी तौर पर फंक्शनल बनाया जाए। चूंकि बस टर्मिनल की तमीर के बाद रावलाकोट शहर में अड्डा जात गैर कानूनी है, इधरा इस गैर कानूनी अमल को रोकने के लिए फौरी इकदाम उठाए। अपोजिशन अराकीन की जानिब से सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन से अलग चेंबर जो कम अज कम 2 कमरा जात पर मुश्तमिल हो का मुतालबा भी किया गया है, ताकि अपोजिशन काउंसलर्स अपने फराइज ऑफिस में हाजिर होकर अहसन तरीके से अदा कर सके। इजलास मुनक्किद करने की तहरीरी तहरीक पेश करने के बाद अपोजिशन अराकीन ने मेयर सरदार अब्दुल नईम खान से भी मुलाकात की और इनको एजेंडे के मुताबिक आगाह किया, जिस पर मेयर रावलाकोट कॉर्पोरेशन ने कहा कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम काउंसलर से मिलकर ही शहर की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह अवाम के मसाइल जरूर हल होंगे। पर्ल न्यूज रावलाकोट। पर्ल न्यूज।